प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं, आज भरपूर इंतजार है आपको बहुत ही प्यारे और खूबसूरत चैप्टर के न्यूमेरिकल और सूत्रों का वर्णन सीखने के लिए। आप समझ रहे हैं कि हमारे उष्मा का अंतिम चैप्टर गैसों का अणुगति सिद्धांत यही चैप्टर है, और आप सभी को इंतजार है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने के लिए और मोनों को सीखने का। तो जैसा कि जो है अभिजीत सावंत के भाई अनिरुद्ध मौर्य जी हैं, अनिरुद्ध मौर्य जी देखिए जरा, हम आपको सूत्र समझा रहे हैं, और जो है ये सारे सूत्र आप अपने चैनल में डाल दीजिएगा, ध्यान से देखिए, वीडियो आज बना लीजिएगा अनिरुद्ध जी। तो गैसों का अणुगति सिद्धांत ये हमारा जो है गैसों का अणुगति सिद्धांत चैप्टर। इसमें हमने देखा बहुत सारे सूत्र पढ़ा आप लोगों ने, पगला जाओगे आप लोग, इसमें बहुत सूत्र पढ़ाया मैंने। याद करो पुरानी बातें, जब जो है शुरुआत किए थे, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, गैस समीकरण से स्टार्ट किया है हमने। तो चलिए पहले नियम बायल, चार्ल्स और दाब, तो उन्हें ऐसा जी ट्रिक वाइज चलते हैं। बायल चार्ल्स दाब के नियम को सूत्र के बजाय हम आपको बेटा पीवी बराबर आरटी या आरटी, यहां देखो जरा, पीवी बराबर या आरटी या पीवी बराबर डब्लू अपान एम आरटी या पीवी बराबर केटी, इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पीवी बराबर या आरटी भी लिखा जा सकता है, एन मतलब मोलों की संख्या माने डब्ल्यू अपान एम भी लिखा जा सकता है, केटी मतलब आर बाई एन आ गया, इसमें समस्त अणुओं की संख्या आ गई। तो ये सूत्र का प्रयोग पहला है। और बायल चार्ल्स गैस के नियमों के लिए हम लोगों ने पढ़ा है P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। इस सूत्र को याद करिए रोहनदान, और ये बात समझिए कि बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम, तीनों के सूत्र इसमें आ गए। अगर जिस चीज को सवाल में स्थिर कहता रहे उसको दोनों तरफ से मिटा देना। जैसे मान लो सुषमिता कहे कि स्थिर ताप पर किसी गैस का फलाना फलाना फलाना, तो स्थिर ताप कहा तो दोनों तरफ टी मिटा देना, तो क्या सूत्र आ जाएगा? ओके, कहा स्थिर दाब पर किसी गैस का इतने ताप पर आयतन इतना है, तो स्थिर दाब कह रहा थे वेस्टर, तो पी मिटा दो दोनों तरफ से, B1/T1 बराबर B2/T2। और अगर कहीं स्थिर आयतन कह दे सवाल में तो दोनों तरफ वी मिटा देना, P1/T1 बराबर P2/T2। तो आपने देखा ये ट्रिक है, तीनों सूत्र इसमें आ गए कि नहीं, तो क्यों बार बार फालतू सूत्र लिखे, तीन सूत्र पे काम चल जा रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो जरा इस चैप्टर का सूत्र, वर्ग माध्य मूल चाल VRMS बराबर अंडर रूट, क्या बताया मैंने, 3RT/M, बोलो 3RT/M, ये सूत्र पढ़ाया है। और एक सूत्र उनैसा से पूछकर बताया था कि V और T और V और M में रिलेशन B1/B2 बराबर √T1/T2 या √M2/M1। आप सभी साथी ध्यान देंगे, यह सूत्र तभी लगेगा जब जो है वर्गमाध्य मूल वेग और ताप वगैरह की बातें रहे। ठीक है, जब ताप रहेगा तो ये लगा देना और भार रहेगा तो ये लगा देना। सूत्र सब हम शॉर्टकट में उन्हें ऐसा लिखते जा रहे हैं, बहुत सारे सूत्र हैं ना बेटा, और जो इतने सूत्र हैं सब पर एक एक सवाल बोला हूँ, प्रयास किया हूँ कि हर सूत्र समाहित कर दूँ। उसके बाद देखो जरा सभी साथी, दाब का व्यंजक इसके बाद आया था, P1/3 M/N/V/B2। आप सभी बच्चे जान रहे हो M एक अणु का द्रव्यमान है, N समस्त अणुओं की संख्या है, V आयतन है, वार भी वर्गमाध्य मूल वेग है, सभी बच्चे जान रहे हो, कोई बताना जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है उन्हें माध्य गति ऊर्जा का सूत्र पढ़ाया मैंने, माध्य गति ऊर्जा याद करो E=3/2 K/KT,
इससे सूत्र आया था एक, याद करो, E1 बटा E2 बराबर T1 बटा E2। नहीं याद है? और बेटा एक सूत्र बताए हैं इसी में कि संपूर्ण गति ऊर्जा, उसका सूत्र क्या होता है हमेशा 3/2 R3। कुल गति ऊर्जा रहेगी तो 3/2 RT, और बाकी के लिए जान ही रहे हो। और बच्चों इसके बाद जो है हमारे जो सूत्र हैं वो थे CP-CV=R और CP=DU+PdV CV=K1DU और U अगर पूछे कहीं आंतरिक ऊर्जा ½ FRT यही है। ½ FRT है कि 3/2 FRT? ½ FRT है। और जो है CP और CV का मान भी है। यस सर, क्या मान है बताओ? CP का मान कल निकलवाए थे R1+F/2, यही आया था क्या? CV का मान क्या बताए थे? इधर क्लियर? यस। गामा का मान आप गिन डालो, देखो कितने सारे सूत्र हो गए। अब आप कल्पना करिए कि अगर एक सूत्र एक सवाल रहे तो फिर 8, 4, 12, 3, 15 सवाल तो बने चाहिए। बच्चों सूत्र खोल दिए हैं, समझा भी दिए सूत्र, सबको समझ में भी आ गए। कोई डाउट किसी को? अब सवाल, सवाल बेटा कोई बच्चा या बच्ची पहला सवाल पढ़ दे, कल वाली सवाल है, पढ़ दो। और कुल गति ऊर्जा बताइए। ठीक है, देखो बच्चों सवाल आगे पीछे घूम घाम के पूछे हैं, कुल किताब में तो 42 सवाल है लेकिन सोच रहे 15-20 लगवा देने। देखिए देखिए आवाज नहीं, पहला सवाल आइए पढ़ें। ऑक्सीजन अणु की 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ताप पहले दिया है, कितना दिया बेटा 127 डिग्री सेल्सियस 273 जोड़ दें 400 केल्विन। पहले बारी बारी से काम करते हैं, उन्हें सा ध्यान देना। ऑक्सीजन अणुओं के औसत स्थानांतरी गतिज ऊर्जा बताओ, कौन सी ऊर्जा बताओ बेटा? बहुत गजब की बात है, आज तो का सबके बताओ करेंगे। ऊर्जा सूत्र का होता है बताओ, यो बराबर हाफ, लेकिन कहा था सवाल में देखा फंसा देवा, कहा था औसत स्थानांतरीय गति ऊर्जा, औसत स्थानांतरीय गति ऊर्जा और कुल ऊर्जा बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन चाचा दो परमाणु का है, एक गुण देखा ऑक्सीजन का परमाणु का है, और दो परमाणु में जो ना हम बताए हैं 5 गति होता है, 3 स्थानांतरीय और 2 घूर्णन। तो अगर स्थानांतरीय गति कहा था केवल स्थानांतरी गति, तो ऊर्जा सूत्र का हो चाहिए हाफ या फार्टी में एफ की जगह 3 लिख दे, काहे ऑक्सीजन में 3 ही स्थानांतरी गति होती है, और कुल गति ऊर्जा कहे तो एफ की जगह 5 लिख दे, यह टेक्निकल चीज है। और कहा था औसत स्थानांतरी माने अणु संकेत भाग दे कि अंश भाग दे, नहीं समझे इधर देखो टेक्निकल बात देखो, देखो इधर गलत हो जाएगा। O2 अणु में 3 स्थानांतरी व 2 घूर्णन गति होती है, उन्हें सब कोई लोग काफी मत देखना, बोर्ड पर देखना। इसलिए ऑक्सीजन की स्थानांतरीय गति ऊर्जा, कौन सी गति ऊर्जा? आप सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं, 1/2 ऊर्जा सूत्र होता है, ये आपकी जगह 3
आर टी, लेकिन बेटा ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि वो देखो प्रश्न पढ़ो कह रहा औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा बताओ। औसत शब्द लगा दिया कि नहीं, अब नहीं ध्यान दोगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, इसलिए ओ टू की, इसलिए हमने लिख दे रहा है दोनों अलग अलग उन्हें औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा माने बेटा हाफ गुड़े तीन गुड़े के यंश भाग हो गया। आए बचे समझ में आई, टेक्निकल बात समझ में आई ना है, औसत शब्द ना कहा तो फिर आर रहता है, औसत शब्द कहे बा तो आर बटे एन हो गया, रूप संकेत भाग, जैसे गतिज ऊर्जा निकाले रहे तीन बटा दो आर टी, माध्य गतिज ऊर्जा माने तीन बटा दो के टी, आर बटा एन हो गया रहा था, मजा आएगी ना कितनी टेक्निकल बात है। तो अब ये आएंगे तीन बटा दो माने डेल के मान हम हमेशा सोडियम लिखाए रहे और तो कर सबका हमेशा याद रहा है 1.38 × 10⁻³⁻³⁻⁻⁻³⁻⁻³⁻⁻³⁻⁻⁻³⁻⁻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 ⁻
चार डेढ़ चार डेढ़ चार सौ आधा छुरा कर छठ है अड़तालीस किया था सिर्फ चार छत्र का अठारह चार छठ का दो जीरो रहने आ गया जूल प्रतिमोल यह है ना समझ में आया बेटा ना है ये कौन ऊर्जा आएगी बेटा औसत स्थानांतरी गति अब O2 की औसत देखो हम टेक्निकल सवाल ढूंढ ढूंढ बोले हैं सरल अपने आप लग जाएगी औसत गतिज ऊर्जा नहीं ध्यान दोगी तो इतनी बड़ी अखबार तुम्हारी कुल गतिज ऊर्जा कहा था औसत कुल माने तीन दो पांच मिला दी का सूत्र हो हाफ एफ की जगह पांच के टी ना समझो पांच बटा दो ही माने चार अढ़ाई पांच चार अढ़ाई नौ दस चार अढ़ाई दस चार अढ़ाई ढाई चौको दस What happened? गुड़ी कर दिए गुड़ी कर दिए अगला पढ़ो अगला हाँ सवाल पढ़ो दूसरा हाँ ए बच्चों एक मोल गैस की जीरो डिग्री सेल्सियस ताप पर आवाज नहीं भाई स्थानांतरी गतिज ऊर्जा की गणना करिए तो ध्यान दीजिए जरा सवाल नंबर दो एक मोल गैस की सभी लोग ध्यान दें जीरो डिग्री सेल्सियस ताप कितना दिया बच्चों 273 केल्विन स्थानांतरी गतिज ऊर्जा का सूत्र बताओ रे सर गतिज ऊर्जा यू बराबर हाफ या पार पी हाफ या पार पी अगर जो है कहता माध्य गतिज ऊर्जा तो आर के बजाय ही एन लिखते के लिखते तो अब बच्चों इसी में सबका मान रख दो सबके मान के बारे में पता है स्थानांतरी गतिज ऊर्जा आपको देखो गैस नहीं बताया है कि एक परमाणु का या दो परमाणु के बाद परमाणु आपके पास सेंस होना चाहिए गैस चाहे जो हो स्थानांतरी गतिज ऊर्जा केवल तीन होती है एक परमाणु में भी दो परमाणु में भी बहु परमाणु में भी स्थानांतरी गतिज ऊर्जा तीन ही होती है स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा हाफ की जगह आर की जगह
टी की जगह, कोई दिक्कत बेटा? कैलकुलेशन करते हैं, समझ में आ गया, सरल है कि नहीं? स्थानांतरित गतिज ऊर्जा कैसी होती है? हमेशा चाहे जाऊ गैस हो, कुछ लोग सोचोगे गैस राय बताए मैं कैसे जानी, तो इससे ज्यादा जैसे हम बताओ था जो तीन से दुर्भाग्य डेढ़ 15 कम 15 की 5 आज से नहीं 15 45 एक 46 की 6 आज से 4 15 की 120 4 124 2 और 1 3 बुढ़े 273 ना तो गुणा कर ले जब है डायरेक्टली दी है 3.4 गुणे 10 घात 3। अरे कर लोगे क्या? अगला पढ़ो अगला सवाल नंबर 3। हाँ देखो जरा बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम सवाल पढ़ते जा रहे हैं, सुनते भी जाइए। 27 डिग्री सेल्सियस ताप का इसका मतलब 300 केल्विन का कि नहीं? 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस के अणु की गतिज ऊर्जा बताइए, यही पूछ रहा है ना? देखो हम पूरी सवाल नहीं बोले हैं उन्हें सर। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस के प्रति स्वतंत्र कोटि के किसी अणु की गतिज ऊर्जा बताइए। तो प्रति स्वतंत्र कोटि कह दिया है, माने माध्य गतिज ऊर्जा कह दिया है, ठीक है? तो क्या सूत्र लगेगा बेटा? माध्य गतिज ऊर्जा, कोई बच्चा बताए? अंडर रूट कहां से आ जाएगा बेटा? 3/2 KT इधर, ठीक है? 3/2 के की जगह 1.38, टी की जगह 1.5 / 4.5 देखा इसे एक दिक्कत होगा आधा 4.5 10 घात -21 4.5 गुणा करो 45 से गुणा करो 45 × 360 0 हासिल 36 45 × 3 = 135 और 36 × 171 हासिल 17 45 × 45 = 17 45 × 10 = 55 7 / 62 2 और 1 = 3 दसम लो क्या दिक्कत है? 6.21 × 10^-21 एनी डाउट? हाँ अगला पढ़ो। हाँ अगला देखो पढ़ रहे हैं बेटा। स्थिर दाब पर तथा 327 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यही कहा है ना? स्थिर दाब पर 327 डिग्री सेल्सियस ताप कितना हो जाए? 6। सवाल देखो, स्थिर दाब पर 327 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन को किस ताप तक ठंडा करें कि उसके अणुओं की वर्गमान मूलचाल पहले से आधी हो जाए? पहले वर्गमान मूलचाल नहीं मालूम है भी, और अब वर्गमान मूलचाल क्या हो गया है? टेम्परेचर आपको बताना है। कोई डाउट किसी को? मजा आ गई कि नहीं? अब आपके पास फार्मूला है, R V1/R V2 √T1/T2 मान रख दो V/V2 √600/T2 बच्चों 20 भी कट गया 2 √600/T2 दोनों बच्चों को वर्क कर दो 4 = 600/T2 तो T2 = 4 / 4 150 केल्विन
और सेल्सियस बताएंगे माइनस 127 273 होता है ना, माइनस 123 डिग्री सेल्सियस। अगला बोलो बेटा, यदि वायु का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 227। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं बच्चों, यदि वायु का ताप 27 से बढ़कर 227 हो जाए तो औसत गतिज ऊर्जा किस अनुपात में बढ़ जाएगी। आप सभी साथी देख रहे हैं, शुरुआत में ताप बोलो 27 माने 300 केल्विन, बाद में ताप बोलो 227 माने 500 केल्विन, तो क्या कह रहा है। हाँ चलो इधर देखो, E1 बटे E2 बराबर T1 बटे बराबर 300 बटे E1 बटे E2 बराबर टेवेस्टन, E2 बराबर 5/3 E1 माने ऊर्जा 5/3 गुना हो जाएगी। ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी, समझ में आ रहा है। हाँ अगला पढ़ो, हाँ किस परम ताप पर, मतलब आपसे ताप पूछ रहा बच्चों, 40 केल्विन आदर्श गैस के अणु की वर्गमान मूल चाल 3 गुनी हो जाएगी। इधर देखो, शुरुआत का ताप कितना है 40 केल्विन, इस समय वर्गमान मूल चाल मान लेते हैं अभी है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताप पर चाल 3 गुनी हो जाएगी, किस ताप पर चाल, यही तो कह रहा है। जोत दे उसी तरह से है ना, V1/V2 अंडर रूट T1/T2 हुआ क्या, तो 1/9 बराबर T2 बराबर 360 केल्विन, T2 बराबर कितना आ गया 360 केल्विन पे ताप इतने गुना हो जाएगा। इतना लगाओ पहले।